Hello guys, this is Sam. Welcome to my channel. I'm playing Red Dead Redemption 2. So it's been 2 days since I played Red Dead Redemption 2. So we'll go for the main mission. Look at this building. We went there, we burned down the explosives. I don't know, we'll go there again. I get the opportunity. So we go for the old man again, I think. Yeah, this is not that far. On the way we will check on that railroad company. Yep. That's a black rabbit. Black squirrel. Hey, partner. Oh, I think I missed the this place. I always go check on these guys whether they need my assistance or not. That's another matter that sometimes this guy. This guy says the same thing again and again. Percy with sickle. Maybe we can talk. Oh, I cannot sit here because I am not welcome here. So okay, let's go for the old man. Then go for that mission. This one in Wapiti Reservation, Charles Smith. Because Micah's mission I'm gonna do at last. That's my least of the problems right now. Micah's mission is not even on my list to do. I'll just do that. Feel like it. साला ऐसे जगह पे आता है ना. I should always be ready. Is that a snake or something? Okay, so we are going to do that mission. After doing that mission, we'll come back again for the old man. It's going to be a long way, huh? We always go our path, however it risky it may be. Hello. Howdy.
Hopefully I did not crash into him accidentally, or this would have been a whole other study, whole other thing. American Red Squirrel. Then would be a gunfight and I would die, or you would die, and I would be like greatly drained, almost drained everything. Like that situation, I just avoided some see something. Check. Probably not. दूर से जो दिखता है वो होता नहीं है. दिखता तो बहुत कुछ है सामने जाते ही. बहुत सारा घोड़ा था यहाँ पर, मैंने सबको भगा दिया, स्पुक कर दिया. रेड जून घोड़ा का नाम भी बहुत बढ़िया बढ़िया है. मैं स्पीड से जाऊंगा तो कभी नहीं पहुंच पाऊंगा. देखते हुए चलोगे तो सामने कोई पेड़ से टकरा जाओगे, इसलिए तो आधा से ज़्यादा पहाड़ अनएक्सप्लोर्ड रहता है. पहाड़ में चढ़ने का मज़ा ही अलग होता है. मैं जब लगभग 100 वीडियो 120 130 वीडियो पार कर जाऊँगा तब वो पहाड़ों में घूमेंगे. हर एक पहाड़ छान मारेंगे, पूरा पहाड़ी घूम चलेंगे. अरे मैं गलत जगह आ गया. इधर से ग्रिजलीज होके निकलना पड़ेगा, फिर इधर रास्ता जान करना पड़ेगा. वो होना अगर वो कर लूँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर बीच से भी जाए तो रास्ता मार्क किया हुआ नहीं है, मतलब रास्ता नहीं है, थोड़े लिखा है.
गाड़ी भी जाता तो इतनी तेज आवाज होता, कंपन होता, टीवी चलता तो यहाँ तक आवाज आता है। इसमें तुम साउंड क्वालिटी क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो जिस बंदे का 150 सब्सक्राइबर है। यहाँ पर सब मेरा 1000 भी होता ना तो कुछ मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता साउंड को जितना हो सके, उतना भी नहीं है। डेडिकेशन देके तो कर रहा हूँ, पता नहीं कब मिलेंगे सब्सक्राइबर अपने। मर गया उसको मैं क्या बोल सकता हूँ। रास्ता मैंने चेंज कर दिया ना, मैं पहले इधर से जा रहा था। मैं इस रास्ते को पकड़ना चाहता था, पकड़ के इधर से आके इधर पकड़ लिया। चलो कोई नहीं, इधर अगर तो सीधा ही है ये। एक सेकेंड, इसके अंदर घुसे बिना अगर जा सकूं, पहाड़ों के बीच से जाने का रास्ता होगा ना। एक्सप्लोर करने के करने वाला वीडियो बनाता नहीं है, कोई शॉर्ट्स में डाल देता है। यार शॉर्ट्स में कितना मजा आया वो। ओ भाई इधर से जाने का रास्ता नहीं है, इधर से गिरूंगा तो एकदम मुझे भाई खत्म खत्म। खुद चढ़ जाएगा आजा। अरे भाई ऊपर आ, मैं नीचे उतरूंगा फिर और एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको बोलते हैं शॉर्टकट, ज्यादा शॉर्टकट भी नहीं लेना चाहिए। ज्यादा शॉर्टकट से ये होता है रास्ता खो जाते हो, रास्ता भटक जाते हो और ऐसे जगह पहुंच जाते हो जहां से वापस आना तुम्हारे लिए कभी कभी मुमकिन नहीं होता। इसलिए शॉर्टकट कभी आजमाना नहीं चाहिए, गेम में भी नहीं, लाइफ में भी नहीं। यहीं पे हुआ था ना हम लोगों का, ऐसी कुछ जगह पर हुआ था। ये टनल भाई तो पूरा अंधेरा हो गया। यहाँ पे हम लोग पहले भी आए थे क्या? ये तो बंद है। टनल के अंदर हॉर्स नहीं सुनता है बाबू। अगर गलती करके भी अगर इस तरफ आ जाता फिर से मेरे को इस तरफ आना पड़ता। मैं तो टनल देखने के लिए आया हूँ, बहुत बड़ा टनल है। टनल में कैसा फील होता है अगर आप लोगों को जानना
चाहते हो तो भाई इस वीडियो को देख लेना। मेरा तो एक सेकंड के लिए फट गया था, फिर देखा मैंने साइड में जगह है इसके अंदर जी, नहीं तो मेरा भी अभी राम नाम सत्य है हो ही जाता है। लगभग हम लोग पहुँच गए हैं दूसरे छोर पे। साला ये टनल खत्म ही क्यों नहीं होता है, लेकिन दोनों तरफ ये साला ईंट वाला दरवाजा। अभी देखो जाने का रास्ता देखो, मेरे को उतना जाना पड़ेगा फिर उधर से घूम के जाना पड़ेगा, उससे पहले रास्ता ही नहीं है। और यहाँ पर तेंदुआ आने का बहुत चांस रहता है, सब रास्ता तेंदुआ प्रोन जोन है। इसे पहाड़ी में डिजाइन भी होगा तो भाई अंधेरे में तो भी ढूंढना डिजाइन मतलब नीडल इन हेस्टैक जैसा काम हो जाएगा। लेकिन ये भी आपको मतलब ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा, मैं भी ढूंढ रहा हूँ आप भी ढूंढो, आप भी खेलो ये गेम, मेरी वीडियो में ढूंढने मत जाओ यार, मेरे को खुद नहीं मिलता है। इधर से हम लोग लेफ्ट लेंगे भाई, इधर पर लेफ्ट भी खतरनाक लेफ्ट है, ये सब जगह पे मतलब क्लियर करने का चांस रहता 100%। जब हम लोग ने प्राइमल खेला था प्राइमल में मैंने दिखाया था कि बियर प्रोन जगह कौन सा होता है, हमें पता होगा कहाँ बियर ज़्यादा मिलता है, कैसे जगह पे बियर रहना पसंद करता है। लेकिन मुझे पता है RDR 2 बहुत फेमस गेम है, लेकिन फिर भी मतलब मैं लोगों को देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि अभी लोग क्या देखते हैं, ये लॉफ्ट है क्या, हाँ अभी लोग देखते हैं रील्स मॉड्स, स्टोरी वीडियोस कोई नहीं देखता यार, क्योंकि लोग सबको पता है कि नया कुछ तो आने वाला है नहीं, वही पुराना घिसा पिटा चीज़ ही चलेगा दिखाएगा लोग। लेकिन आप देख के तो देखो भाई, और इंडिया में तो भाई गेमिंग का कल्चर शुरुआत से पबजी ही चलता आ रहा है भाई, 90% लोग सिर्फ नाम जानते हैं पबजी फ्री फायर ये सब गेम पे। और वैलोरेंट, हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ जो कंसोल या फिर कंसोल में खेलते हैं इंडिया में। लग भी सकता है भाई, अभी तो
वेदर खराब है और मेरा तबीयत भी खराब है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, ज़्यादा ठंडा लगाना भी ठीक नहीं होगा। सब कुछ डिपेंड करता है भाई, ये देख रहे हो लाइट, देखा तुमने पानी में, ये होता है भाई असली गेम की क्वालिटी, इधर पता चलती है। देखो जहाँ पे बादल नहीं है वहाँ पे रोशनी आ रही है, यहाँ बादल से ढका हुआ था इसलिए पहाड़ से ढका हुआ था, पहाड़ बादल दोनों। ट्यूशन लेने से अच्छा है कि तुम दोबारा देख लो। हाँ तो पहुँचने का कोई रास्ता ट्राई करो, मुझे तो लग रहा है कुछ है वहाँ पर, उसके सामने से जाके देखना पड़ेगा, नहीं तो नोट ही नहीं लेगा वो। आर्थर ड्राइंग करेगा तभी, मतलब इंस्पेक्ट का एक ऑप्शन आएगा तभी तुमको समझना है कि हाँ यहाँ पे कुछ है। जब तक वो नहीं चीज़ आता है तब तक कोई, मेरे को लग रहा है इधर से नीचे उतरने का जगह है, मतलब नीचे उतर सकता हूँ मैं, वहाँ से फिर उसमें जाना पड़ेगा। देखो ये आइडिया बैकफायर भी हो सकता है, ठीक है कुछ भी नहीं मिल सकता है, ये भी हो सकता है। अरे रुक, थोड़ा मतलब बहुत मुश्किल से बचा हूँ यहाँ पर, क्या देखने आया था मैं, इधर तो कुछ नहीं है। ये करने में मज़ा भी आता है भाई। देखो मेरा आउटर हेल्थ गया क्योंकि मैं स्लाइड करते हुए नीचे गिरा, थोड़ा घूम फिर के आया हूँ नीचे, लेकिन फिर भी इनर हेल्थ इंटैक्ट है, आउटर हेल्थ आउटर डेडाई यहाँ पे और वहाँ पे फाइटिंग खर्चे हो गए। अभी तक मैं यहाँ पे मिस्टीरियस हिल हाउस तक ही नहीं पहुँचा, वहाँ से फिर राइट लेके जाना है। देखो हम लोग एनिमल का लेजेंडरी एनिमल का कर लिए, लेजेंडरी फिश का कर लिए, लेजेंडरी बर्ड तो नहीं है इसमें, तो और बर्ड तुम पकड़ ही नहीं पाओगे इसमें, तो लाश ही मिलेगा ज़्यादा। वैसे भी कौन सा हम एनिमल और फिश जिंदा, फिश जिंदा पकड़ते थे, एनिमल भी जिंदा नहीं पकड़ पाते थे, लेजेंडरी जो होता था उसको भी, मतलब मिस्टीरियस स्किल हो इधर ही कहीं पर था ना वो, वहाँ से ओ भाई 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 घोड़ा ले जाके मैं ठोक गया था एकदम डायरेक्ट। ब्लैक एंड वाइट हो गया था थोड़ा देर के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ था नहीं ना, रास्ता ही था। यहाँ पे देखो ट्रीज़ वगैरह आ गए वहाँ पे, यहाँ पे कलर चेंज हो गया, आसमान दिख रहा है भैया, ओह क्या व्यू लग रहा है, इस व्यू को ले सकता हूँ। शायद कैप्टन मॉर्गन ने बुलाया हम लोगों को,
Wayne's Falls से तो मेरे को बात करना है। Hey friend. Hello. अभी देखो ये लोग हेलो बोल रहे हैं अभी। तो ये लोग why पहले पूछता था why are you here? Excuse me, pardon. Hi there. You're right there, friend. Try to do what you can and stay safe. See you. उसमें से कौन से घर में हो जाता था चीफ। ओके नहीं चाहिए। हेलो चार्ल्स, थैंक यू फॉर कमिंग। ऑफ कोर्स द चीफ इज इट्स वेरी। Maybe you could speak to him? Yes, that's why I came. He's in his tent. Joe, I'll wait for you here. Okay, that's a good one, guy. So, I'm going to Charles and I'm going to go first. Okay, hello? Come in. Mr. Morgan. I'm so glad you could make it. How are you? My son. My son is foolish, but he's still my son. I know your son. A little. He's very brave. Very angry. He's mean. How is your father? He's dead a long time. He lived a lot longer than was good for any of us. My son probably wishes the same to me. I doubt that. I want peace. I need my people to be safe. All my life I've tried to bring peace. But I love my son. They'll hang him for treason. Treason. He is the chief son of a proud nation. How could he commit treason? The people who have lied to my people for 100 years or more, that's treason. What should I do? I don't think there's much chance reasoning with Colonel Favor. No, and any chance we had. Your friend, Mr. Vanderland, has ensured relations between us and the army are worse than any point in the last 5 years. I'm sure he means well. But matters are more complex than he understands. Charles will try and rescue your son. No. Yes. Yes. I ain't got much to lose, and you got it. I'm doing this. Charles! Where are you? Come on, let's go. We need to get his son back, of course. I just ain't sure how. I've been working on that. I think there's a way. Follow me. Now they say hello, huh? After so long. Okay. Howdy, fellas. Hey. Hello. How are you folks getting on here? Ah. Well, I wish you the best. Be well. So what if I don't do that? So there is the Angelo Bronte glitch, I know. What if you use this moment as a glitch to have you guys done it? Return to Charles. Let's see if I can. What happens if I go too far? Okay.
this happens. Charles was abandoned. Need to get his son back, of course. Just ain't sure how. I've been working on that. I think there's a way. Follow me. Hello, mister. Hello again. I've been scouting around the fort. It won't be easy. In fact, it's downright stupid. But it might be possible. We won't be able to use any of the main routes in and out, but if we're able to cross the river, there's a back way that should get us close enough to have a shot of getting in there. Sounds like a much better plan than mine. Which ain't no plan at all. I also stashed a couple of small canoes downriver, in case we need another way out of there. We have to go in quiet, though. No guns. If they raise the alarm before we get to them, they'll never leave there alive. Okay. Whatever you say. Hey, that's enough talking. Save your energy. We still have a way to go. Okay, so this is going to be a stealth mission. This wouldn't have happened if it wasn't for Dutch. It ain't just on Dutch. We all went along with it. He saw Eagle Flies burn hot, and he fanned the flames. He's not helping that tribe, he's helping himself. You see that, or you wouldn't have gone to Rain's Fall behind his back. I guess I just keep thinking. There must be a way to save the situation. Pull Dutch out of the place he's in. Well, I like Rain's Fall. I don't know, Arthur. Rain's Fall is in a tough situation, and as for Dutch, I gotta try. I own that at least. You feel that? Hey there! Don't lose it on me, come on. There's rain on the wind. I know. Listen, guards. If it goes bad in there, you get yourself out. You got more to lose. No. Come on, don't start talking like that. I didn't tell you before, but I saw a doctor. It's pretty bad. But it's gonna get worse. Oh, Arthur. Any day, we can die. We're riding to break an Indian chief's son out of a cavalry fort. We could both die tonight. In a way, it is a gift to know. In a way, you are lucky. Sure don't feel like that. You still have time to make amends. The others, Hosea, Lenny, Sean, all them, they didn't. And what about the Calendar boys? Both killed trying to escape Blackwater? More vicious pair of bastards than ever was. And that's all they ever were and will be. Maybe. You're lucky. You got the chance to do something better. My guess is maybe that's why you're here now. Either way, just keep your head strong. We're close now. Yeah. Are you all right? Yeah, I think so. That current's strong. Up here. Follow me. You were right about the damn rain. Yeah, but might help us with sneaking in there. The Rain's Fall told me there was some retaliation after the meeting with Colonel Favors. Some women were taken, elders beaten. Bastards. Yeah, this isn't gonna be nice. Dark.
over here. So I took Bo with me. I guess this is it. I guess it is. Let's keep quiet. I'm trying to find a way in. Main thing is that they don't hear us. You ready? Patrol group. Hopefully we'll be in and out before they can come back around. Two at the gate first. You take one, I'll take the other. Now, come on. Okay, come on. See if we can get around the back. Stay close to the wall. Shh. There's a guard right above us. There's some heavy stealthy stuff going on. Waste an arrow on him. Use your knife. Make sure the tower's clear.
It's okay. Let's go. Another one out there. You got him? You go, Charles. Okay. Try to put an arrow into the lantern above that stack of wood over there. Start a fire. You should have a clear shot from the walkway up there. Where do I need to put the... So that's my... This is stealth. This is stealth. We'll never get past these guards. Up. You screw up big time. Try to put an arrow into the lantern above that stack of wood over there. Start a fire. You should have a clear shot from the walkway up there. I have to kill this guy too. Otherwise he will alert everyone. That lantern. Oh no, that lantern. I did the exact same thing. I blew my cover. Damn it. There's more out front. Go up the tower, see if you can cause a distraction. Try to put an arrow into the lantern above that stack of wood over there. Start a fire. I have to kill this guy, man. There's a guy there, if I shoot, he will know.
Why am I moving so much? My stamina, I fixed my aim this much. What the fuck? Third time's the charm, huh? Come on. Your father sent us. My father? He told you to come and kill guards? No, he didn't say that. Of course not. You okay? Sure. Enjoy being tortured. It clears the mind. If you say so. Fine. Fine. Find about the gunfighter. Not anymore.
Come on. What the fuck? What the fucker? Follow Charles करने जाओ तो भी साला नहीं होता man. इसको गोली से मारो इसे पिस्टल से ही मार सकता हूँ ना
ऑफिसर के लिए बहुत स्ट्रेसफुल था ये जॉब। Colonel Favors won't be too happy with your rescue. I guess not. Yeah, there's gonna be a lot more trouble. My father, I mean, he may have to fight. You won't win. No big fight with them. Shouldn't y'all just run away? Where would we go? I don't know. In front. Let me take it back to your father. Thank you. So much. So it's already 56 minutes, so I will not do any other mission right now. Let's go back to the old man. Next, I see Sadie's mission and Micah's mission. So Sadie's mission, this is Sadie's mission, right? Yeah. Sadie needs to speak. कहाँ पे आ गए हम लोग यार? मेरे को जाना है तो ये चिंगमान, तो मैं एमरल्ड रैंच में फास्ट ट्रैवल करता हूँ। मेरा घोड़ा तो इधर ही है। तभी जाके डेडाई और वो ठीक हुआ। तो हम लोग वाइल्डनेस में ही है। यहाँ पे कैंप बनाता हूँ, एमरल्ड रैंच पहुँचता हूँ, तो वेटरन से मिलता हूँ। अगर मिलना होगा तो यहाँ पे रेस्ट करना पड़ेगा मेरे को। इतना मतलब काम करता हूँ, बैक वेस्ट से जाना था। फास्ट ट्रैवल कर लेता हूँ एमरल्ड रैंच तक, फिर मार्ट के मतलब जमीन ग्राउंड क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब खुले मैदान जैसे जगह में होगा। यहाँ से चिंगमन का एरी ज़्यादा पास नहीं है, जाना तो पड़ेगा ही भाई। जितना दूर फास्ट ट्रैवल हो सके उतना दूर। जो गलती किया आप लोगों ने देखा कि कहाँ पे किधर से उतरना है वहाँ पे आप, और सीढ़ी से उतरने जाओगे तो कोई देख लेगा आपको, आपको वहीं से जंप करके उतर जाना है। या फिर कोई ऐसा रास्ता देखना जिसमें जिस तरफ कोई ना जा रहा हो उसी रास्ते से आपको नीचे उतरना है। और पुलिस वाले को अगर आप नहीं मारोगे तो वो चार्ल्स को देख लेगा नीचे उतरते तरफ। इसलिए एक तरफ स्टैंड के ऊपर आप खड़े हो और करना चाहते हो मिशन, उस स्टैंड से रिलेटेड कोई भी आदमी या फिर गार्ड हो उसको
सबड्यू कर देना या तो मार देना, नहीं तो सबड्यू करने से होता है कि नहीं मेरे को नहीं पता, शायद होता है, नहीं भी हो सकता है। वो चिल्लाएगा, तुम तो उसका हाथ पैर बांध रहे हो, मुंह थोड़ी बंद कर रहे हो, तो चिल्लाएगा, चिल्लाने से भाई तुम्हारा पोजीशन रिवील हो जाएगा, तो वैसे भी तुम जा सकते हो, तो तुमको उसको मारना पड़ेगा ही, नहीं तो वो जगह तुम्हारा खाली नहीं होगा, तुम वहाँ से जाके सही से एम लगा के उसको नहीं कर पाओगे। दिख तो नहीं रहा है, लेकिन मैं आता रहता हूँ, एक आध मिशन के बाद आता रहता हूँ। एक काम करता हूँ, अभी कैंप बना लेता हूँ सामने गए थे और इसके घर के सामने कैंप बना लिया मैंने, मॉर्निंग तक वेट करता हूँ, है ना। नून, अच्छा अभी तो मॉर्निंग ही है, तक नून तक वेट करता हूँ। एक घंटा हो गया है, तो हम लोग का वीडियो का एंड भी यहीं पे हो जाएगा, अगर अभी नहीं मिलता है तो वीडियो में वहीं पे एंड कर देता हूँ। देखो स्टैमिना वामिना भी सब ठीक हो गया, अगर ये वेटरन अभी रहेगा तो नहीं है, वेटरन कैसे रहता है भाई, पानी में तो पूरा चूक जाता होगा ये जगह। तो चलो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बैक विथ, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, not published, I have uploaded the Fortnite video for this few days, I only have like 500 GB to spare, so 500 GB mere bhai ek hi game matlab bada size ka video mein upload kar paunga aur ek Fortnite ka dalta rahunga, so see you guys soon tomorrow with another RDR2 video, so take care guys, see you soon, have a good day.